So, हम पढ़ रहे थे सी एस ई टी के चैप्टर फोर एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ के बारे में इसकी कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन में है अब इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं अलग अलग टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में ये बोलते हैं कि अगर आप कंपनीज को क्लासिफाई करने जाओ तो देर आर न्यूमरस वे मतलब इतनी सारी टाइप्स होती हैं कि आपको याद रखना मुश्किल हो जाएगा जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स इन्होंने यहाँ दिए हुए हैं बेटर रिमेम्बरेंस के लिए मैंने उसे कलरफुल रखा है अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहां ये बोलते हैं कि आप कंपनीज को इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हो नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे साइज के बेसिस पे कंट्रोल के बेसिस पे एंड एज वेल एज मोटिव के बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हो फर्स्ट ये इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे कंपनीज को क्लासिफाई कर रहा है ये बोलता है कि जब कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो वो या तो होती है चार्टर कंपनीज के नाम से स्टेट्यूटरी कंपनीज के नाम से या फिर रजिस्टर्ड कंपनीज के नाम से अब देखिए पैनिक मत कीजिएगा अगर आपको इनका मतलब समझ में नहीं आए तो क्योंकि लेटर तो वीडियोस में ही सारी चीजें कवर होंगी तो आपको हर एक चीज का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा सेकेंड लाइबिलिटीज के बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करें तो एक होती है लिमिटेड बाय शेयर्स या फिर लिमिटेड बाय गारंटी और दूसरी होती है अनलिमिटेड टाइप की कंपनीज थर्ड ये बोलते हैं मेंबर्स के बेसिस पे करो तो एक होती है वन पर्सन कंपनी एक होती है प्राइवेट कंपनी तो तीसरी होती है पब्लिक कंपनी एंड अगर साइज के बेसिस पे देखो तो साइज बड़ा या छोटा ही होता है तो ये बोलते हैं स्मॉल कंपनीज या अदर कंपनीज कंट्रोल के बेसिस पे जाओगे तो यहाँ आएगी होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी एसोसिएट कंपनीज एंड इसके अलावा अगर हम मोटिव के बेसिस पे देखें तो कुछ कंपनीज होती हैं जो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए एग्जिस्टेंस में आती हैं जो कि नॉर्मल कंपनीज होती हैं इसके अलावा कुछ लोग तो वेलफेयर करने के लिए भी कंपनी खोल लेते हैं फॉर एग्जाम्पल सेक्शन एट कंपनी ये जब खुलती है ना इनका मेन मोटिव होता है देश का दुनिया का भला करना तो ये वेलफेयर पर्पज़ के लिए खुलती है प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं खुलती है तो इस तरह की भी कंपनी होती है देर आर गवर्नमेंट कंपनीज ऑल्सो फॉरन मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है क्यों दिया है क्योंकि यहां से आपको आ सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर होने वाली तीन कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे अब अगर आप ये सोच रहे हो कि बाकी कंपनीज के बारे में कौन पढ़ाएगा तो बेटा मैं ही पढ़ाऊंगी लेकिन इस वीडियो में नहीं इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे बाकी कंपनीज के बारे में मेजरली हमें ये तीन कंपनीज पहले अच्छे से समझनी है फर्स्ट इज प्राइवेट कंपनीज सेकेंड है पब्लिक कंपनीज एंड थर्ड है वन पर्सन कंपनी आप सबको पता होना चाहिए कि किसी भी इंसान को अगर कंपनी खोलनी है तो उसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है किसके पास करवाना पड़ता है के के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज पास रजिस्टर कराना पड़ता है और वो एक्ट कौन सी होती है जो एप्लीकेबल होती है वो होती है कंपनीज एक्ट 2013 सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट कंपनी के बारे में प्राइवेट का मतलब होता है कि कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए हो या फिर सर अपने तक रखनी हो तो प्राइवेट कंपनीज में दो तरह की बाइफिकेशन होती है अच्छा इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा क्योंकि जितने भी बच्चे होते हैं ना उनको इसी में कंफ्यूजन होता है प्राइवेट कंपनीज में आती हैं ओपीसी एंड अदर्स लोगों को पता ही नहीं है कि ये जो वन पर्सन कंपनी है ना ये भी अपने आप में एक प्राइवेट कंपनी है इससे रिलेटेड बहुत बार एमसीक्यूज आए हैं पेपर में ओपीसी दैट इज वन पर्सन कंपनी इन इट इज अ प्राइवेट कंपनी इसके अलावा अगर हम अदर्स की बात करें तो उसके फीचर्स हम पहले यहाँ पे पढ़ रहे हैं ठीक है ओपीसी को हम अलग से पढ़ेंगे प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं मेंबर्स बोले तो शेयर होल्डर्स एक इंसान जिसने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं वो कहलाया जाएगा क्या शेयर होल्डर और मैक्सिमम 200 लोग ही प्राइवेट कंपनी के शेयर्स एक टाइम पे होल्ड कर सकते हैं इनमें ट्रांसफर करना शेयर उतना इजी नहीं होता जितना पब्लिक कंपनी में होता है क्यों रेस्ट्रिक्टेड होता है चलिए एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं मानिए एक कंपनी थी प्राइवेट नेचर की उसमें थे 200 सौ मेंबर्स ठीक है मतलब 200 सौ मैक्सिमम जितने हो सकते उतने मेंबर्स थे अब हुआ ये कि जो टू हंड्रेड वाला मेंबर था ना उसके पास थे दो शेयर्स अब ये कंपनी बहुत फेमस थी और इसके दो फ्रेंड्स इसको बोलने लग गए कि शेयर मुझे दे मुझे दे इसने एक शेयर दे दिया एक फ्रेंड को दूसरा शेयर दे दिया दूसरे फ्रेंड को तो अब आप मुझे ये बताइए कि अब कंपनी में कितने मेंबर्स हो गए कंपनी में हो गए 201 मेंबर्स कोई कंफ्यूजन हो तो डाउट सेक्शन में पूछ लीजिएगा पहले कितने मेंबर्स थे 200 मेंबर्स थे 200 वाले ने दो शेयर्स एक अपने एक दोस्त को दे दिया दूसरा अपने दूसरे दोस्त को दे दिया टू तो हंड्रेड वाला मतलब चला गया पिक्चर से इसने आके उसकी जगह ले ली लेकिन इसने आके टू हंड्रेड वन की फिगर फॉर्म कर ली सो so, ऐसे में ये टू हंड्रेड वाला मेंबर जो है इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि बेटा आप ऐसे नहीं बांट सकते किसी को भी आपको दोनों शेयर्स बांटने हैं ना तो सिर्फ एक ही इंसान को दो क्योंकि आपकी जगह सिर्फ एक ही इंसान ले सकता है So, इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे शेयर्स ट्रांसफर करने में थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन होती है क्योंकि टोटल आपका 200 से ज्यादा नहीं जा सकता है एंड एट द सेम टाइम ये प्रोहिबिट करते हैं इनविटेशन टू तो द पब्लिक टू तो सब्सक्राइब मतलब जैसे पब्लिक कंपनी में क्या होता है कि हमें अपने शेयर्स बांटने होते हैं तो हम पब्लिक के पास जाते हैं कि यार हमारे शेयर्स खरीद लो शेयर्स खरीद लो शेयर्स खरीद लो बहुत सारे लोग आके शेयर्स खरीद भी लेते हैं बट क्योंकि प्राइवेट कंपनी में सिर्फ 200 सौ मेंबर्स हो सकते हैं तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच आप पब्लिक को इनविटेशन नहीं दे सकते हो क्योंकि पब्लिक को इनविटेशन भेजोगे पता नहीं कितने मेंबर आ जाएं, कितने मेंबर आओगे किसको मना करोगे किसको दोगे ये भी बहुत पंगा हो जाएगा सो so इसलिए यहाँ पे पब्लिक को इन्विटेशन नहीं भेजा जा सकता है प्राइवेट so, कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें मैक्सिमम सिर्फ 200 सौ हो सकते हैं ये शेयर ट्रांसफर करने पे रेस्ट्रिक्शन लगाती है अब ये वर्ड जो है ना रेस्ट्रिक्शन इसे याद रखिएगा यहाँ पे प्रोहिबिशन गलती से भी के आइएगा क्योंकि ये आपको मना नहीं कर रही है ट्रांसफर करने के लिए बट कुछ कंडीशंस अप्लाइड हैं ऐसे मानिए आई होप आपको ये पोर्शन समझ में आया है क्योंकि अब मैं पूछने वाली हूँ आपसे एक क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि आपको याद है ना कि प्राइवेट कंपनी में 200 की रिस्ट्रिक्शन होती है 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते तो ये पॉइंट उसी से रिलेटेड है ये बोलते हैं कि चार दोस्त थे उनको एक कंपनी का शेयर खरीदना था और उस कंपनी का शेयर था बारह हजार का कितने का बारह हज़ार का एक शेयर था ध्यान दीजिएगा यहाँ पे होते हैं कुछ कंपनीज ऐसी जिसके शेयर्स बहुत महंगे आते हैं तो ऐसी महंगी वाली कंपनी थी तो इन्होंने सोचा यार बारह हजार तो एक लौता इंसान ला नहीं पाएगा तो लेट्स डू दिस वे कि हम सब ना तीन तीन हजार रुपये घर से लेके आते हैं इकट्ठे मिल वो शेयर खरीद लेते हैं और ऐसा ही किया तीन तीन हजार रुपये सब अपने घर से लाए और यहाँ आके इन्होंने इस कंपनी का एक शेयर परचेज कर लिया अब आप मुझे बताइए कि ये जो कंपनी है ये इन्हें एक शेयर होल्डर के रूप में देखेगी या फिर चार शेयर होल्डर्स के रूप में देखेगी चलिए जल्दी से दिमाग लगाइए और ये बताइए कि जो 200 की लिमिट हमने तय की है ना उसमें ये एज चार शेयर होल्डर्स काउंट होंगे या फिर सिर्फ वन शेयर होल्डर काउंट होगा ओके आई होप आपको आंसर आ चुका है क्योंकि अब मैं डिस्क्लोज करने वाली हूं ये बोलते हैं वे टू और मोर पर्सन होल्ड वन और मोर शेयर इन अ कंपनी ज्वाइंटली वर्ड पे फोकस कीजिएगा क्या साथ मिलकर ज्वाइंटली दे शेल फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज बी ट्रीटेड एज अ सिंगल मेंबर मतलब इन चारों को चार अलग शेयर होल्डर कंसिडर ना करते हुए इन्हें हम वन शेयर होल्डर सिंगल शेयर होल्डर की तरह ट्रीट करेंगे क्यों? क्योंकि इन्होंने shares jointly खरीदे हुए हैं साथ मिलके खरीदे हुए हैं दो लोगों के चार लोगों के पांच लोगों के इकट्ठे पैसे लगे हुए हैं सो so, इसलिए 200 में इनकी गिनती एज वन शेयर होल्डर होगी नॉट एज फोर शेयर होल्डर्स ठीक है ओके सो नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये बोलते हैं पर्सनस हु आर एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एंड पर्सन हु इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ इन दैट एम्प्लॉयमेंट सीज शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ मेंस ये एक इंसान था जो कि कंपनी का क्या था एम्प्लॉय था ये कौन था कंपनी का एम्प्लॉय मतलब कंपनी में काम करता था जब ये कंपनी में काम करता था इसने ये देखा कि कंपनी अच्छा काम कर रही है तो इसने बोला कि मैं भी क्यों ना शेयर होल्डर बन जाऊं बस जैसे ही सैलरी आई इसने खरीद लिए पांच शेयर्स कंपनी के और बन गया क्या शेयर होल्डर तो इस क्लॉज के अकॉर्डिंग ये बोलते हैं जो ये 200 की लिमिट आपने ली है ना उसमें ऐसे एम्प्लॉयज काउंट नहीं होंगे मतलब आप 200 की लिमिट में इस एम्प्लॉय को काउंट नहीं करोगे ये एक्सक्लूडेड है तो ऐसे मानिए 200 अदर मेंबर्स हो सकते हैं उसके अलावा ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं जिनको आपने 200 में काउंट नहीं किया और ना ही आप करने वाले हैं चलिए इसी बात पे एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ फिर से कि अगर ये एम्प्लॉय जॉब छोड़ के चला जाए बट शेयर्स नहीं वापस करे मतलब शेयर्स ट्रांसफर नहीं किए इसने बस जॉब छोड़ दी है तो अब तो ये कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है तो क्या ये अब 200 की लिमिट में आएगा मतलब एक ऐसा एम्प्लॉय जो कि पहले आपका एम्प्लॉय था मतलब आज की डेट में आपका एक्स एम्प्लॉय है अब ये आपके यहाँ काम नहीं करता है बट स्टिल शेयर्स होल्ड कर रहा है तो ऐसे में क्या ये 200 की लिमिट में आएगा या नहीं आएगा तो अगेन द आंसर नो बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम सो दो सो की लिमिट में हमें उन एम्प्लॉयज को काउंट नहीं करना है जो कि एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ शेयर्स भी होल्ड कर रहे हैं या फिर ऐसे एक्स एम्प्लॉयज एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ शेयर्स भी होल्ड कर रहे थे सो so, ये प्रोविजन बच्चों को अक्सर बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं लेकिन मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में बता दिया है आई होप बस आपको ये याद रहे अब और यहां पे हमारी प्राइवेट कंपनी की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है लेट्स जम्प टू पब्लिक कंपनी क्योंकि हमने प्राइवेट कंपनी को इतनी अच्छी तरीके से समझ लिया है तो पब्लिक कंपनी तो अब कुछ भी नहीं है क्यों ऐसा क्यों बोला मैंने क्योंकि ये बोलते हैं पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक होगी वाह मौज कर दी ये तो तो सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि कोई कंपनी प्राइवेट तो नहीं है अगर वो प्राइवेट नहीं है तो वो पब्लिक होगी इसके अलावा एक और चीज दी हुई है आपके बुक में जो कि है मिनिमम अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब अच्छा ये वाला प्रोविजन आपको कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि अप शेयर कैपिटल जो कि प्रेस्क्राइबड होगी तो मैं आपको बता दूं कि कंपनीज एक्ट 2013 ने ऐसा कोई भी प्रेस्क्रिप्शन हटा दिया है पहले हुआ करता था कि 5 लाख अप शेयर कैपिटल से अगर आपने कंपनी स्टार्ट की है तो ही वो पब्लिक बन पाएगी एक लाख से शुरू की है तो वो प्राइवेट होगी लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 ने इस प्रोविजन को रिपील कर दिया है सो so, आज की डेट में मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल का कोई भी एज सच नामो निशान नहीं है सो ऑल कंपनीज जो कि प्राइवेट नेचर की नहीं होती वो पब्लिक नेचर की कहलाई जाती है प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज अ अब्सिडी ऑफ अ कंपनी नॉट बींग प्राइवेट कंपनी शेल बी डीम्ड एज पब्लिक कंपनी बहुत कन्फ्यूजिंग है आई नो पढ़ते हुए बिल्कुल समझ में नहीं आता लेकिन बिल्कुल सिंपल सरल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये बोलते हैं कि ये एक कंपनी है जो कि पब्लिक है ठीक है ये एक कंपनी है जो कि पब्लिक है इस कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है इस कंपनी की क्या है एक सब्सिडरी कंपनी है अब अगर आपको सब्सिडी का मतलब नहीं पता है तो जस्ट नेक्स्ट वीडियो में ही सब्सिडी एंड होल्डिंग कंपनीज को मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया है तो आप वो देख सकते हैं और समझ सकते हैं ठीक है एक पब्लिक कंपनी है जिसकी एक सब्सिडी कंपनी है जो कि शायद प्राइवेट थी तो ऐसे सीनारियों में ऐसे सीनारियों में जो ये सब्सिडी कंपनीज होती हैं ना इसे हम डीम्ड पब्लिक कंपनी मानते हैं ऊपर से चला गया क्या कोई बात नहीं दोबारा समझो ये बोलते हैं एक पब्लिक कंपनी जिसकी सब्सिडरी प्राइवेट कंपनी हो जिसकी सब्सिडरी प्राइवेट कंपनी हो तो उसे हम प्राइवेट नहीं मान के डीम्ड पब्लिक मानते हैं वो होता है ना नेता के साथ अगर कोई भी चले तो वो नेता जैसा ही लगता है बिल्कुल ऐसा ही है पब्लिक के साथ जुड़ी हुई कंपनी चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो उसे भी हम डीम्ड पब्लिक ही मानते हैं डीम्ड का मतलब होता है कि वाकई में वो वैसी नहीं है लेकिन हम मान रहे हैं कि वो वैसी है ठीक है हाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पब्लिक कंपनी के बारे में कि यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है यहाँ पे आपको जैसे मर्जी आपके शेयर्स ट्रांसफर करने हैं करिए कोई दिक्कत नहीं है जितने मेंबर्स लाने हैं ले आइए कोई दिक्कत नहीं है कोई 200 की रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर नहीं लगेगी तो हो गई है क्या पब्लिक कंपनी चलिए अब हम बात करते हैं हमारी लास्ट फॉर्म ऑफ कंपनी के बारे में दैट इज वन पर्सन कंपनी अकेला हूं मगर कमजोर नहीं देखिए हुआ क्या कि कंपनीज एक्ट वालों ने सोल प्रोपराइटर्स का दुख समझो। सोल प्रोपराइटर्स कौन होते हैं बताया था आपको पुरानी वीडियोस में नहीं देखी हैं तो देख लीजिए एक एक लौता इंसान जो खुद का बिजनेस खुद ही चला रहा होता है जैसे बनिए की शॉप पे वो जो बनिया बैठा होता है ना वो सोल प्रोपराइटर होता है पहले जो सोल प्रोपराइटर्स होते थे उनको पूरा का पूरा रिस्क खुद ही बेयर करना पड़ता था जितनी लाइबिलिटीज होती थी खुद ही पे ऑफ करनी होती थी और अकेले वो खुद कंपनी भी नहीं शुरू कर पाते थे अगर उनको कंपनी शुरू करनी होती थी कोई ना कोई एडिशनल इंसान उनको ढूंढना पड़ता था तो वैसे में जबरदस्ती किसी के भी साथ कंपनी फॉर्म करो क्या मतलब है तो कंपनीज एक्ट वालों ने बोला कोई बात नहीं हम तुम्हारी मदद के लिए आ गए हैं हमने बना दी है एक नई फॉर्म ऑफ कंपनी यस, वन कंपनी ज्यादा पुरानी कॉन्सेप्ट नहीं है 2013 कंपनीज़ एक्ट में ही आई है। ये एक अलग फॉर्म ऑफ़ कंपनी है जो कि सिर्फ एक इकलौते मेंबर से भी स्टार्ट हो सकती है मतलब एक इकलौता इंसान चाहे कि मुझे कंपनी फॉर्म करनी है तो वो ऐसा कर सकता है अब उसे कोई भी इधर उधर सहारे ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा तो वन पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज अ अगेन लोगों को लगता है कि वन पर्सन सिर्फ डायरेक्टर होगा क्या नहीं शेयर होल्डर मैक्सिमम इसमें एक हो सकता है याद रखिएगा मिनिमम भी इसका वन है मैक्सिमम भी इसका वन है तो शेयर होल्डर एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता है वन पर्सन कंपनी में ऐसे मानिए कि मेरा मन था वन पर्सन कंपनी खोलने का तो मैंने अ सोल मेंबर वन पर्सन कंपनी खोल ली अब मैं अपने भाई को भी उसमें बीच में ऐड कर रही हूँ बहन को भी कर रही हूं घर वालों को भी कर रही हूं तो बेटा ऐसे नहीं हो पाएगा फिर ये वन पर्सन कंपनी नहीं रहेगी मैक्सिमम इसमें वन ही मेंबर हो सकता है मिनिमम भी इसमें वन ही मेंबर हो सकता है और याद रखिएगा मेंबर के बारे में बात हो रही है डायरेक्टर के बारे में नहीं हो रही है बस ये डायलॉग याद कर लीजिएगा और आपको वन पर्सन कंपनी टिप्स पे याद रहेगी नाउ आई गेस आपको वन पर्सन कंपनी प्राइवेट कंपनी एज वेल एज पब्लिक कंपनी तीनों ही अच्छे से समझ में आ गई हैं। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आपको नोट्स चाहिए या क्वेश्चन बैंक चाहिए तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं नंबर इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज हम यहाँ पे पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं सी एसई टी का तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है सो so आप इजिली अपना पूरा सिलेबस यहां से कवर कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो